ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर का दूसरा फॉर्म है। जैसे एक हमने बर्नौली इक्वेशन किया था और ये एक अलग टाइप का है। तो बर्नौली इक्वेशन में एक चीज़ फिक्स थी कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। जो हमारे पास बर्नौली इक्वेशन था वो क्या था, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर एन। तो ये हमारा फिक्स है कि वाई टू द पावर एन हमें मिलेगा उसमें। दैट इज स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ अ नॉन लीनियर एंड रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। तो ये बर्नौली इक्वेशन, ये स्पेशल नाम हुआ। लेकिन अगर मेरे पास एक ऐसा इक्वेशन आता जो इस फॉर्मेट का मिले हमें, डी एफ डैश वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी एफ वाई इक्वल टू क्यू, या फिर क्योंकि हमने जो लीनियर फॉर्म डिस्कस किया था तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सॉरी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू एक डिस्कस किया था, और एक डिस्कस किया था डी वाई बाई डी एक्स प्लस आर एक्स इक्वल टू एस डिस्कस किया था। तो इन द सिमिलर वे हमारे पास दो इक्वेशन हैं अलग अलग टाइप के, और ये दोनों ही हमारे लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएंगे। तो कैसे रिड्यूस होंगे ये हम यहाँ पर देखते हैं। ओके तो ये ध्यान से अगर हम देखें तो ये एफ डैश वाई है, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई है। तो एफ वाई को हम क्या ले लेंगे, वी ले लेंगे। तो जैसे ही हम एफ वाई को वी लेंगे तो एफ डैश वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा। तो एफ डैश वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ये क्वांटिटी यहाँ पर रिप्लेस होके क्या हो जाएगा, डी वी ओवर डी एक्स प्लस पी टाइम्स वी इक्वल टू क्यू। फिर से वही हमारा क्या आ गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इन द सिमिलर वे ये हमारे पास ऐसा हो जाएगा। तो इसको भी हम आसानी से सिंप्लीफाई कर लेंगे बाय यूजिंग द सेम वे। ओके तो इस पे बेस हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस वाई ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर वाई। तो इस इक्वेशन को देखने पे अभी इमीडिएटली हमें कुछ नहीं पता लग रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमें ये पता लगे कि ये एक्सप्रेशन कौन सा है। तो ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू द पावर टू एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और ई टू द पावर वाई तो ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर एक्स। नाउ लुक एट दिस वन, ये किस फॉर्म का आया, तो हम इसको लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल को उधर ले जाते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर टू एक्स। अब इसको ऐसे लिख लिया, ई टू द पावर टू एक्स लिखा और ई टू द पावर माइनस वाई लिखा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अब इससे फ़ायदा ये होगा अगर मैं इसको उधर ले जाता हूँ। देखिए हमारे पास जो भी इक्वेशन था ये था एफ डैश वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी एफ वाई इक्वल टू क्यू। तो अगर इस टर्म को मैं उधर ले जाता हूँ तो ये कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा ई टू द पावर वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर वाई इक्वल टू ई टू द पावर टू एक्स। नाउ लुक एट दिस वन, कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, ये एफ डैश वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्यू। देखिए फिर से वही, ये पी हमारे पास हो गया, ये क्यू हो गया, एफ वाई का डेरिवेटिव ये। इसका मतलब क्या हुआ कि ई टू द पावर वाई को अगर मैं दूसरा वेरिएबल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ई टू द पावर वाई को हमने वी ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, ई टू द पावर वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स। तो हमारा ये जो टर्म हो गया दैट इज डी वी ओवर डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, तो वही रहेगा ई टू द पावर एक्स हो गया इंटू पी हो गया, तो पी इक्वल टू क्यू। अच्छा क्यू क्या है, ई टू द पावर टू एक्स रहेगा। अब फिर से हमारा लीनियर फॉर्म बन गया। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन जानते हैं, तो आप जानते हैं इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का कैसे कैलकुलेट होगा वो देखते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर पी डी एक्स, और पी हमारे पास क्या है, ई टू द पावर एक्स है पी, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। तो फिर से सॉल्यूशन क्या होता है, वी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई टू द पावर एक्स, इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो वॉट इज माई क्यू, क्यू इज टू एक्स ई टू द पावर टू एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर एक्स प्लस सी। इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान काम है, कैसे होगा देखिए, ई टू द पावर एक्स को हम टी ले लेंगे तो ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा, एक एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर एक्स हमारा रिप्लेस हो जाएगा। तो हम क्यों ना इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, ई टू द पावर एक्स
e to the power x dx plus c with the sign of integration. तो इसको हम आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, e to the power x t हुआ, तो एक e to the power x और dx रिप्लेस हो जाएगा, और इसको हमने t लिया है, तो t e to the power t हो जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं, t e to the power t plus c, इंटीग्रेशन आपने क्लास 12 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आप आसानी से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ओके? तो फाइनल हमारा जो सॉल्यूशन आएगा, दैट तो हम सॉल्यूशन इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, t e to the power t को इंटीग्रेट करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन बाय आइलेट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो t e to the power t minus e to the power t plus c e to the power x. अब देखिए t को आप जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, v into e to the power x e to the power x, और t क्या है हमारा t को हमने क्या लिया, e to the power x, तो ये हो जाएगा e to the power x, और t minus 1 होगा तो e to the power minus 1, और e to the power t तो e to the power x plus c. अब v को आप रिप्लेस कर देंगे e to the power x से, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको डिजायर्ड फॉर्म में आंसर आसानी से मिल जाएगा. तो ये अब क्योंकि ये तो बहुत ही आसान चीज़ है तो आप आराम से कर सकते हैं. तो इंटीग्रेशन की हमें अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कोई भी इक्वेशन मान लीजिए आ जाए और उसको इंटीग्रेट करना हो, कोई भी इंटीग्रेशन हो, इंटीग्रेंट कैसा भी हो, तो उसके लिए हमें वेरियस मेथड्स अप्लाई करने होंगे. जैसे हमने यहाँ पर आइलेट रूल यूज़ किया, कभी हम पार्शियल फ्रैक्शन हमको यूज़ करना पड़ सकता है, तो ये सारे मेथड्स हमें रिकॉल होने चाहिए, देयरफॉर वी कैन ईजिली इंटीग्रेट. ओके, तो इस टाइप का इक्वेशन जब भी आएगा तो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म में हमने दो चीज़ें सीखी, एक तो हमारे पास हो गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी हमारे पास बर्नौली थी, तो बर्नौली में हमारे पास dy by dx plus py equal to q y to the power n थी, ये भी हमारी लीनियर फॉर्म में रिड्यूस होगी, दैट इज dy by dx plus py equal to q के फॉर्म में हमारी रिड्यूस हो जाएगी. तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें कैसे डील करना है ये हम आसानी से समझ सकते हैं by using the change of dependent variable. याद रखिएगा क्योंकि ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, तो हमने चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्सेप्ट यूज़ किया है जिससे हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कि हमारी लीनियर नहीं थी उसको हमने लीनियर के फॉर्म में रिड्यूस किया.